हेलो व्यूअर्स आज हम करेंगे टॉप 25 फाइव जी के जी एस सीरीज़ जिसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर किया है ये आपको सभी वनडे गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा बीट एस एस सी बैंकिंग एन टी पी एंड जो अपकमिंग आई बी ए सी आई ओ एन सी एस आई आर सी एस ओ का एग्जाम्स होने वाला है उसमें भी ये जी के सेशन आपको हेल्प करेगा बिकॉज अल्टीमेटली हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी चेंज नहीं होता है वो सेम ही रहता है एंड जो अपकमिंग सी ई एग्जाम्स होने वाले हैं आने वाले सालों में ये आपको उसमें भी हेल्प करेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं बृहदेश्वरा टेम्पल एट हंजावोर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट टेम्पल्स इन इंडिया एंड इज़ एन एग्जांपल ऑफ ड्राविडियन आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द डैश पीरियड ये है बृहदेश्वरा टेम्पल जो ड्रेविडियन आर्किटेक्चर स्टाइल है इस पॉइंट से आपको क्या पता चलता है ये साउथ इंडिया में लोकेटेड है बिकॉज ड्रैविडियन स्टाइल साउथ इंडिया का है एंड नगारा स्टाइल नॉर्थ इंडिया का तो इससे ये भी क्लियर हो गया इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एंड इसको बनाया था चोला डाइनेस्टी ने तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है चोला डायनेस्टी बाकी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर भी इंपॉर्टेंट है उसको भी आप याद रखना एंड यह थंजावुर तमिलनाडु में लोकेटेड है हु एमोंग द फॉलोइंग गुप्ता रूलर्स इज नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया नेपोलियन ऑफ इंडिया जो है वो समुद्र गुप्ता को कहा जाता था इनको ये टाइटल विंसेंट आर्थर स्मिथ ने दिया था इनके कुछ और नाम देख लेते हैं लाइक कवि राजा परम भगवत अश्वमेध पराक्रम विक्रम सर्वराज राजा ये सब भी सरव समुद्र के टाइटल्स हैं जिसमें से सर्व राजो क्षेत्र जो है ये बस समुद्रगुप्ता ही वो गुप्ता रूलर थे जिनको ये टाइटल मिला हु द फॉलोइंग फर्स्ट टू बी सिलेक्टेड ऑन ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन ऑन ए लिबरल पार्टी टिकट इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दादा भाई नारोजी दादा भाई नारोजी वॉज फर्स्ट पर्सन टू तो बी इलेक्टेड इन ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड इनको जो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है दादा भाई एनारोजी को एंड उनका एक इंपॉर्टेंट बुक है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया ये भी बहुत ही ज्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है एंड दादा भाई एनारजी वॉज द फर्स्ट इंडियन टू तो कंडक्ट ए सर्वे ऑन पॉवर्टी इन इंडिया द लार्जेस्ट ओशन ऑन अर्थ इज डैश तो लार्जेस्ट ओशन जो है हम सबको पता है पेसिफिक ओश्चन है इसका जो डीपेस्ट पॉइंट है वो चैलेंजर्स दीप है जो मरियाना ट्रेंच के सामने लोकेटेड है एंड सेकेंड लार्जेस्ट जो है वो है अटलांटिक ये है थर्ड देन दिस इज फिफ्थ साउदर्न ओशन इज फोर्थ एंड पेसिफिक इज फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है पेसिफिक ओशन एंड इंडियन ओशन का जो डीपेस्ट पॉइंट है वो है जावा ट्रेंच टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा अ पर्सन शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड एटलीस्ट डैश ऑफ एज राज्यसभा के मेंबर होने के लिए मिनिमम थर्टी इयर्स का क्राइटेरिया है एंड ये लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी अप्लाई होता है थर्टी इयर्स मिनिमम चाहिए होता है एंड थर्टी फाइव ईयर्स का देख लेते हैं इसमें इलेक्ट होते हैं प्रेसिडेंट गवर्नर एट्सेट्रा 28 एट एंड थर्टी किसी का भी क्राइटेरिया नहीं है लोकसभा का जो है वो है 25 इयर्स एंड लेजिस्लेटिव असेंबली दैट इज़ विधानसभा का भी

मैटर्नली घेंजिस खा के डिसेंडेंस थे एंड पैटर्नली जो थे वो तिमूर खा के तिमूर के थे तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का बनता है घेंजिस खा दैट इज़ मदर्स के साइड का एंड फादर्स के साइड का जो था वो था तिमूर गोची फेस्टिवल इज एन इंडियन फेस्टिवल मेजोरली सेलिब्रेटेड इन देश गोची फेस्टिवल जो है आप पिक्चर में देख सकते हैं एंड ये कैप लगा के ही आप आ, कैप देख के ही समझ जाएंगे आ, मेल्स का ये हिमाचल प्रदेश का फेस्टिवल है हु सेट अप द एशियेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एशिएटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को विलियम जॉन्स ने एस्टेब्लिश किया था एट कलकाता एंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इज विलियम जॉन्स इन विच ईयर वॉज दी फर्स्ट आई सी सी क्रिकेट वर्ल्ड कप प्लेड फॉलोइंग ऑप्शन में से फर्स्ट क्रिकेट आई सी सी वर्ल्ड कप जो है वो नाइनटीन सेवेंटी फाइव में खेला गया था एंड होस्ट कंट्री था इंग्लैंड जो प्ले किया गया था वेस्ट इंडीज़ फाइनल वर्सेज ऑस्ट्रेलिया फाइनल खेला गया था जिसमें से वेस्ट इंडीज़ ने जीता था इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है नाइनटीन सेवेंटी फाइव विच आर द फॉलोइंग फैक्टर्स ड नॉट एफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ सॉयल फॉलोइंग ऑप्शन में से जो है लैंडस्लाइड इफेक्ट नहीं करता है बाकी क्लाइमेट इफेक्ट करता है पैटर्नल सॉइल भी इफेक्ट करता है टोपोग्राफी भी इफेक्ट करता है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल को लेकिन लैंडस्लाइड्स नहीं करता है द बारावती फोर्ट सिचुएटेड इन दिटी ऑफ बारावती फोर्ट जो है आप पिक्चर में देख सकते हैं ये कटक में लोकेटेड है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ द पीरियडिक टेबल हैज़ एटोमिक नंबर वन हम सभी को पता है पीरियडिक टेबल का एटोमिक नंबर वन हाइड्रोजन का होता है एस अगेंस्ट ऑड्स इज दटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ दर्सन एस अगेंस्ट ऑर्ड्स जो है वो आप पिक्चर में देख सकते हैं शी इज दानिया मिर्जा ये इन्हीं का ऑटोबायोग्राफी है विच फेमस भारतनाट्यम डांसर वॉज एवॉर्डेड विद ददम भूषण इन नाइनटीन फिफ्टी सेवन एंड पद्म विभूषण इन नाइनटीन सेवनटी सेवन पिक्चर में आप देख सकते हैं शेज तंजोर बाला सरस्वती जिनको पद्म विभूषण एंड पद्म भूषण दिया गया फॉर हर भारतनाट्यम डांस एंड इनका डांस से कौन से डांस से रिलेटेड है ये भी पूछता है तो भारतनाट्यम इज द करेक्ट आंसर बट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो है तंजोर बाला सरस्वती जोरोस्तर वॉज अ डैश प्रॉफिट जोरोस्तर जो थे ही इज जोरोस्टर ये ईरान के गॉड को कहा जाता है वर्ड एग्रीकल्चर इज डराइव फ्रॉम द लेटिन वर्ड्स एजर वी एंड कल्चर वट डज एजर मीन एजर मीन करता है सॉयल हु फाउंडेड शांति निकेतन नियर बोलपुर ऑन ट्वेंटी सेकेंड डिसम्बर नाइन्टीन हंड्रेड एंड वन शांति निकेतन कब फाउंड किया गया था ये भी क्वेश्चन पूछता है कभी कभी दैट इज़ नाइनटीन हंड्रेड एंड वन एंड इसको रविंद्रनाथ टैगोर ने फाउंड किया था ये उनका रेसिडेंस था जो कैलकाता में लोकेटेड है एट बोलपुर सब व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ इंडिया नेबरिंग कंट्रीज इंडिया के टोटल नेबरिंग कंट्रीज़ हैं नाइन जिसमें से सेवन है लैंड बॉर्डर्स एंड टू है वाटर बॉर्डर शेयर करता है हम एक बार पिक्चर को देख लेते हैं देखिए इंडिया जो है इंडिया लैंड बॉर्डर शेयर करता है अफगानिस्तान पाकिस्तान चाइना नेपाल भूतान बांग्लादेश म्यांमार सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन लैंड बॉर्डर्स हो गए एंड देन बाकी जो टू है वो है श्रीलंका एंड मालदीव्स ये दोनों वाटर बॉर्डर हो गए सो टोटल नाइन सेवन लैंड बॉर्डर्स एंड टू वाटर बॉर्डर्स विच स्टेट हैज़ द दाइस्ट रिजर्वस ऑफ ग्रेफाइट इन इंडिया हाएस्ट रिजर्व ऑफ ग्रेफाइट जो है वो है अरुणाचल प्रदेश में विद इन इंडिया इन इंडिया द सेकेंड सेंसस ऑफ ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी वॉज कंडक्टेड इन तो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन हो गया ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी का सेकेंड सेंसस पूछा है फर्स्ट हुआ था टू थाउजेंड वन में सेकेंड हुआ था 2011 में थर्ड 2021 में होने वाला था बट ये हुआ नहीं जो 2026 तक हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली इसका करेक्ट आंसर है 2011